हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि नवरात्रि चल रही है और नवरात्रि में हम सब ढेर सारी शॉपिंग कर रहे हैं और मैं थोड़ी सी बिजी थी, वीडियो थोड़ा लेट शूट करी, कुछ वीडियोस मेरी ना डिलीट हो गई जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई। बट कोई नहीं, वो वीडियो फिर रिकवर नहीं हो पाई, इस वजह से मैं थोड़ा सा गैप हो गया, मैं वीडियो आप सबके साथ शेयर नहीं कर पाई। एनीवेज, आज के वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। मैंने मीशो से लहंगा मंगाया जिसकी आज मैं अनबॉक्सिंग शेयर करूंगी और साथ ही साथ इसका रिव्यू भी शेयर करूंगी, बिकॉज बिकॉज नवरात्रि का टाइम चला और हम सब एक अच्छे लहंगे की तलाश में हैं। तो चलो देखते हैं कि ये लहंगा हमारी जो डिमांड है, हमारी जो विश है, उसको फुलफिल करता है कि नहीं। एंड प्राइस मुझे एग्जैक्टली इसका याद नहीं है, आई गेस कि 700 के नियर अबाउट है, बट रेटिंग इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी थी एंड इसको बहुत ज़्यादा रिव्यूज़ भी बहुत अच्छे मिले थे। देन आई थॉट कि लेट्स ट्राई दिस। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। ऑलरेडी मैंने ओपन करके रखा है जैसा कि आप देख रहे हैं, बिकॉज जब भी कोई पार्सल आता है और स्पेशली मीशो के साथ ऐसा होता है, मैंने सुना है, मेरे साथ पर्सनली अभी तक ऐसा हुआ नहीं है बट मैंने सुना है, इसलिए मैंने पहले इसकी अनबॉक्सिंग करके चेक कर ली थी। बट अभी तक मैंने इसको अच्छी तरीके से नहीं देखा है पूरा खोल करके, वो मैं आप सबके साथ ही देखूंगी। सो चलिए लेट्स अनबॉक्सिंग। बाहर से देखने में कुछ ऐसा सा लग रहा है। इट्स अ सिल्क मटेरियल, दिस इज द दुपट्टा। तो इस दुपट्टे की लेंथ और विड्थ बहुत ज्यादा अच्छी है। इसके पहले मैंने एक व्हाइट लहंगा मंगाया था मीशो से, बिकॉज बहुत ट्रेंड में चल रहा है व्हाइट लहंगा, परिणीति चोपड़ा, आलिया भट्ट सब ने वेयर किया, तो मैंने भी मंगाया था और उसकी मैंने प्रॉपर वीडियो भी शूट करी थी, बट वो वीडियो मुझसे डिलीट हो गई क्योंकि अनफॉर्चुनेटली वो लहंगा मैंने रिटर्न कर दिया, बिकॉज आई डोंट लाइक दैट क्वालिटी ऑफ दैट प्रोडक्ट एंड उस पर कुछ स्पॉट्स भी थे, दैट्स वाई आई रिटर्न दिस। तो मैंने शॉर्ट्स में थोड़ा बहुत शेयर किया, मेरे पास जो भी क्लिप्स थी उसके साथ मिक्स करके, तो उसके दुपट्टे की लेंथ ना बहुत छोटी थी, बट ये एकदम परफेक्ट है, आप इसको किसी भी स्टाइल में ले सकते हो अपने गरबा आउटफिट के साथ मैच करने के लिए। कि दिस इज द ब्लाउज पीस जो कि दुपट्टे के साथ ही था और वो गिर गया और रेड कलर में है एंड इस पे एलिफेंट प्रिंट्स बने हुए हैं। एंड दिस इज द स्कर्ट जो कि ऑलरेडी स्टिच है, तो आपको कोई भी मेहनत नहीं करनी होगी, आपने बस ड्रेस मंगाई और आपको वेयर करनी है, सिर्फ आपको ब्लाउज स्टिच कराना है, वो भी अगर आपके पास कोई ग्रीन या रेड ब्लाउज है तो उसके साथ आप इसको इजीली पेयर अप कर सकते हो। दिस इज द स्कर्ट, साइड में इसके जिप दी गई है और काफी अच्छा इसका वो है। ऑब्वियसली इसमें आपको डोरी लगानी होगी तभी आप पहन पाओगे, अदरवाइज ये बहुत बड़ा है, आई थिंक डबल एक्सल ट्रिपल एक्सल तक इजीली ये हो जाएगा। नीचे इसमें कोई इसमें नीचे तो एक कैनकेन की लेयर भी लगी है और साथ ही साथ ये एक आई थिंक इट्स अ सैटिन का ही कोई कपड़ा है जो लगा हुआ है, जिसके साथ ये कैनकेन थोड़ी सी अटैच की गई है। अब वो पहनने पर पता चलेगा कि कितना घेरा देता है। अदरवाइज मुझे ये लहंगा 700 में कोई बहुत बुरी डील नहीं लग रही है। अभी जब मैं इसको स्टाइल करूंगी, वैसे मुझे लग रहा है कि इसमें घेर काफी ज्यादा अच्छा आएगा। चलिए सबसे पहले इसको स्टाइल करते हैं एंड देन इसके बाद इसका फाइनल वर्डिक्ट बताती हूँ मैं। चलिए मैं आपको स्टाइल करके दिखाती हूँ इस लहंगे को कि मैं किस तरीके से स्टाइल करती हूँ एंड ओवरऑल लुक कैसा आता है, और आपको ये लहंगा कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। सबसे पहले इसका ट्राई ऑन हॉल देखते हैं, सो लेट्स गो। सो गाइस, दिस द दुपट्टा जिसपे की कालमकारी प्रिंट हुई है, नीचे भी स्कर्ट के हुई है कालमकारी प्रिंट। एंड अब ओवरऑल पूरा फैब्रिक बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, स्मूथ एंड कंफर्टेबल है पहनने में, बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, तो आप इजीली डांस वंस कर सकते हैं। मैंने इसको सिल्वर इयररिंग्स के साथ पेयर अप किया है। एंड दुपट्टा थोड़ा सा स्लिपरी है, तो आपको प्रॉपर पिनअप वगैरह करना होगा, अदरवाइज ये बार बार निकल जा रहा है। और ओवरऑल मुझे ये सही लगा, कैन कैन अटैच होने की वजह से फ्लेयर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा आ रहा है स्कर्ट में, आप देख सकते हो। सो ओवरऑल इट्स नाइस।
सो आपको कैसा लगा प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई थिंक कि 700 में आपको अमेजोन फ्लिपकार्ट कहीं पर भी इस तरीके का लहंगा नहीं मिलेगा, थोड़ा सा प्राइजी होगा। अगर आपको मीशो पे ये मिल रहा है 700 में, तो आई थिंक इट्स अ गुड डील और आप सबको फटाफट से जाकर के शॉपिंग कर लेनी चाहिए। तो मुझे तो ये प्रोडक्ट सही लगा है। तरीके का एक लहंगा तो नवरात्रि में मुझे लगता है होना ही चाहिए। बजट फ्रेंडली है और इसका जो इस पे नीचे एलिफेंट प्रिंट बना है, क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है, बट 700 में इट्स ओके ओके प्रोडक्ट। बट अगर आप इसको अच्छे एक्सेसरीज के साथ स्टाइल कर लेते हैं, देन इट्स ओके प्रोडक्ट। सो गाइज, मुझे ओवरऑल ये लहंगा अच्छा लगा। इसकी क्वालिटी भी मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत अच्छी है, बट इट्स ओके ओके। मैं 7 out of 10 रेटिंग दूंगी। बट मीशो पर अगर आप कोई बजट फ्रेंडली लहंगा ढूंढ रहे हैं, स्पेशली फॉर नवरात्रि, गरबा एंड डांडिया, तो दिस इज द परफेक्ट लहंगा। आई रिकमेंड यू ऑल। और अगर आपको इसका लिंक चाहिए होगा, देन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। मैं जरूर इसका प्रोडक्ट कोड आप सबके साथ मैंशन कर दूंगी। चलिए, तो आज के वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।